बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ फ्राई आलू चाट। अगर आपने चाट पहले कभी ट्राई नहीं की तो ज़रूर कीजिए, वो चाट बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। चलें, सबसे पहले तो चाट के लिए मैंने यहाँ पर आलू लिए थे, इनको मैंने क्यूब्स में यहाँ में कट कर लिया था। अब जो है मैं इन आलुओं को गर्म ऑयल के अंदर यहाँ पर मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि जो है ये आलू जो है यहाँ पर फ्राई होकर ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा। और यहाँ पर देखें, ये जब ये आलू फ्राई हो जाएंगे तो मैं इन आलू को यहाँ पर बाहर निकाल लूँगी। अब मैं यहाँ पर ले लूँगी एक सर्विंग बाउल, जिससे मुझे चाट सर्व करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके अंदर जो मैंने आलू फ्राई किए थे, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आलू के अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं था, मतलब कि ऐसा होता है कि आलू की चाट ऑयली होगी, तो बिल्कुल भी ऑयली चाट नहीं थी। अगर आपको ज़्यादा फिर भी लग रहा है, आप टिश्यू पेपर नीचे रख लें, उसके जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो जो है ना, इस तरह से चाट जो है ना बिल्कुल भी ऑयली नहीं रहेगी जब ऑयल सारा अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आलू के अंदर चाट मसाला नमक डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके ऊपर यहाँ पर सबसे पहले डाल दूँगी मैं ये टमाटर और प्याज, इसको यहाँ पर मैंने बारीक चॉप कर लिया था। उसको भी यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी। यहाँ पर इमली की चटनी, जितनी भी आपने डालनी है, जितनी आपको पसंद है उतने हिसाब से इमली की चटनी इसमें शामिल कर दें। उसके बाद आखिर में मैं इसके अंदर नीमको डालूँगी। देखिए रेसिपी कितनी सिंपल सी है, बस और कुछ भी नहीं मैंने डाला, सिर्फ यही चीज़ें थी, इसी से मैंने ये चार मज़ेदार सी बना ली है। ये मिक्स नीमको मैंने डाल दी, मज़ेदार से चार यहाँ पर बन के तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी है। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।